सबसे पहले आपने जो स्वागत किया भारत जोड़ो न्याय यात्रा का, जो आपने झारखंड में पिछले 6 दिनों के लिए यात्रा का स्वागत किया, जो आप यात्रा में शामिल हुए, जो आपने यात्रा को ऊर्जा दी, प्यार दिया, इसके लिए मैं आप सबको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। यात्रा में हम 6-7 घंटे आपके बीच में आते हैं और आपकी बात सुनते हैं, आपके दिल में जो है वो समझने की कोशिश करते हैं, और 15-20 मिनट हम ऐसे भाषण से आपकी बात आपसे बात करते हैं। मतलब आपकी मन की बात सुनने हम 7-8 घंटे लगाते हैं, अपनी मन की बात रखने के लिए हम 15 मिनट लेते हैं। तो आपके दिमाग में एक सवाल होगा कि भारत जोड़ो यात्रा की जरूरत क्यों पड़ी। तो सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ये यात्रा हमने करी क्यों, और 2 यात्रा क्यों की, एक कन्याकुमारी से कश्मीर और दूसरी मणिपुर से महाराष्ट्र। क्योंकि हमें लगा कि देश में बीजेपी ने, आरएसएस ने नफरत का माहौल फैला रखा है, हिंसा का माहौल फैला रखा है, और एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हैं, एक जात को दूसरी जात से लड़ाते हैं, आदिवासी को किसी और से लड़ाते हैं, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ाते हैं। तो हमने सोचा कि प्रेस तो हमारी बात उठाती नहीं है। आप जानते हो कि प्रेस वाले अदानी जी के लिए काम करते हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए काम करते हैं, तो वो कमजोर लोगों की आवाज तो नहीं उठाएंगे, पिछड़ों की, दलितों की, आदिवासियों की बात तो नहीं उठाने वाले। तो इसलिए हमने सोचा कि आपके बीच में आकर हम आपको जोड़ने का काम करें, और आपके जो मुद्दे हैं, आपके जो समस्याएं हैं, उनके बारे में हम बोलें। तो यह लक्ष्य था। पहली भारत जोड़ो यात्रा बहुत सफल रही, और लोगों ने हमें कहा, देखिए आप कन्याकुमारी से कश्मीर चले तो झारखंड का क्या होगा, उड़ीसा का क्या होगा, हमारे जो गांव हैं वहां से तो आप निकले ही नहीं। तो इसलिए हमने मन बनाया कि दूसरी यात्रा हम मणिपुर से शुरू करेंगे और महाराष्ट्र तक वो यात्रा जाएगी और झारखंड भी बीच में से निकलेगी। और इसलिए मैं आज आपके सामने यहां खड़ा हूं, भाषण दे रहा हूं। 2-3 चीजें झारखंड की जनता ने, 2-3 चीजें झारखंड की जनता ने अलग अलग वर्गों ने मुझे बताई। अभी मैं आदिवासी गांव से आ रहा हूं, वहां पे हमने आदिवासी महिलाओं से बात की और उन्होंने हमें बताया कि पूरे झारखंड में, पूरे देश में आदिवासियों से उनकी जमीन छीनी जा रही है, किसी ना किसी बहाने से। अंत में यह होता है, विकास का नाम लिया जाता है, सड़क बनाने का नाम लिया जाता है, मगर अंत में आदिवासी को पता लगता है कि उसकी जमीन हड़प ली गई है, या किसी एनजीओ को पकड़ा दी गई है, या किसी अरबपति अदानी जैसे व्यक्ति को पकड़ाई दी। तो ये आदिवासियों का सबसे बड़ा मुद्दा है, उन पे केस लगा दिए जाते हैं। इसी अभी कुछ ही देर पहले एक एनजीओ की जमीन है, वहां पे आदिवासियों की जमीन छीन ली, उनको कॉम्पनसेशन तक नहीं दिया और उनकी जमीन लेकर एनजीओ में डाल दी। उन व्यक्तियों से मैं मिला, फिर अफसर से मिला। तो पहले अफसर मुझे कहते हैं, देखिए ये तो ग्राम सभा की जमीन थी। तो फिर उन्होंने मुझे कागज दिखाया, जो व्यक्ति की जमीन गई उसने कागज दिखाया। तो फिर मैंने अफसर से कहा, भैया ये आप बताओ, ये क्या कागज फर्जी है क्या, ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है क्या? कहते हैं, नहीं झूठ तो नहीं बोल रहा है। तो फिर मैंने बोला, फिर ग्राम सभा की जमीन है नहीं, इसी की जमीन है।
तो ये पूरे झारखंड में, पूरे जहां भी आदिवासी लोग हैं वहां पे ये हो रहा है। हम एक कानून लाए थे, पैसा कानून था। दो कानून है, एक पैसा कानून, एक जमीन अधिकरण कानून। जमीन अधिकरण कानून में साफ लिखा गया है कि ग्राम सभा से बिना पूछे जमीन नहीं ली जा सकती, और अगर जमीन ली जाएगी, अगर जमीन ली जाएगी, भैया नारे मत लगाइए, अगर जमीन ली जाएगी तो मार्केट रेट से 4 गुना ज्यादा पैसा दिया जाएगा। और अगर, मजे की बात सुनिए, अगर जमीन ली गई और 5 साल में उस जमीन का प्रयोग नहीं किया गया तो वो जमीन वापस दी जाएगी। अब झारखंड में लाखों एकड़ जमीन ली गई है, पिछली सरकार ने ली थी, लैंड बैंक बनाया, उसका कोई प्रयोग नहीं किया। तो यहां के आदिवासियों ने मुझे कहा, और सही कहा, कि 5 साल हो गए, ये जमीन अब वापस जानी चाहिए, हमें वापस मिलनी चाहिए, किसका कोई प्रयोग ही नहीं हुआ। तो ये एक आदिवासियों के सामने सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरा मुद्दा सामाजिक न्याय का मुद्दा। आजकल क्या है, रिजर्वेशन में 50% का कैप लगा रखा है, आप जानते हो, 50% से ज्यादा रिजर्वेशन देश में दिया नहीं जा सकता। अब किसी को नहीं मालूम कि हिंदुस्तान में किस वर्ग की कितनी आबादी है। अगर मैं आपसे पूछूं, यहां पे पिछड़े वर्ग के लोग हैं, आदिवासी वर्ग हैं, दलित लोग हैं, अगर मैं आपसे पूछूं, भैया मुझे बताओ इस देश में पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं, यहां पे कोई जवाब नहीं दे सकता। दे सकता है, बताओ कितने वर्ग, कितने लोग हैं पिछड़े वर्ग के? देखो आंकड़ा नहीं किसी को मालूम। मैं आदिवासी का पूछूं, दलित का पूछूं, जनरल कास्ट का पूछूं, किसी को कुछ नहीं मालूम। अब आप मुझे बताइए, कहा जाता है कि देश में 8% आदिवासी है, 15% दलित है। 8 और 15 कितना हुआ? 23। कहा जाता है 50% ओबीसी वर्ग है, कितना हुआ? 73 हो गया। अब 73% आबादी है तो 50% लिमिट क्यों है? बात समझ आई? आबादी 75% की है, अब वो भी पक्का नहीं मालूम, हो सकता है 55% निकल आए ओबीसी का, हो सकता है आदिवासी ज्यादा हो, ये किसी को नहीं मालूम। तो सबसे पहला काम, अगर हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं, तो यह पता लगाना है कौन से वर्ग के कितने लोग हैं और किसके पास कितना धन है। सही बात, आदिवासी 8% है, देश का कितना धन उनके हाथों में है? पिछड़े लोग 50% है, देश का कितना धन उनके हाथों में है? यह सबसे बड़ा देश के सामने सवाल है। हो क्या रहा है, हिंदुस्तान के सबसे बड़े अरबपति, आप किसी भी स्टेट में चले जाओ, मैं नागालैंड, अरुणाचल, असम, मेघालय, ये नागालैंड, झारखंड, बंगाल, सड़क पे चलाऊं, हर प्रदेश में अदानी जी को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिया जा रहा है। यहां पे अदानी जी को जमीन दी गई, जमीन किससे ली गई? आदिवासियों से ली गई, और जमीन किसको गई? अदानी जी को गई। तो पूरा और पूरा जमीन का ट्रांसफर हो रहा है पिछड़ों से, आदिवासियों से, दलितों से, गरीब जनरल कास्ट के लोगों से, और सीधा अरबपतियों के बैंक अकाउंट में
जमीन जा रही है। तो यह पता लगाने की जरूरत है इस देश के का जो धन है वो किसके हाथ में है, क्योंकि यह तो हम मानने को तैयार नहीं है कि देश का पूरा धन 1-2% लोगों के हाथ में हो। आप मानने को तैयार हो क्या? अगर अगर देश का पूरा धन 100-200 लोगों के हाथ में है, आप इस बात को मानने के लिए तैयार हो? अगर मानने के लिए तैयार हो तो मैं घर चला जाता हूं। बिल्कुल नहीं मान सकते। यह कैसा हिंदुस्तान है कि यहां पे करोड़ों लोग रहते हैं और पूरा का पूरा धन 5-10-15-20-50 लोगों के हाथ में है और बाकी लोग भूखे मर जाएं, बाकी लोगों को ना शिक्षा मिले, ना स्वास्थ्य मिले, ना अधिकार मिले, जमीन छीन ली जाए? ऐसा हिंदुस्तान पता नहीं आपको चाहिए, मुझे तो नहीं चाहिए। तो होगा क्या, मैं आपको 2-3 आंकड़े देता हूं। हिंदुस्तान की सरकार को 90 लोग चलाते हैं। आप जानते हो ये 90 लोग कौन है? आम जनता नहीं चलाती हिंदुस्तान को, भैया गलत फहमी में मत हो, आप अभी कौन कुछ दूसरी दुनिया में हो। आम जनता इस देश को नहीं चला रही है। अगर आम जनता इस देश को चलाती ये देश कहां का कहां पहुंच जाता। इस देश को 90 आईएएस ऑफिसर चलाते हैं दिल्ली में। आपके घर में बजट है ना, आपके घर में पैसे आते हैं, आप निर्णय लेते हो ना कितना पैसा किस चीज में जाएगा, मतलब आप घर को चलाते हो। आपके घर में 20,000 रुपए आते हैं, आप कहते हो 5,000 रुपए मेरे खाने में जाएंगे, 5,000 रुपए मैं बच्चों की पढ़ाई में लगाऊंगा, जो भी आप ये निर्णय लेते हो तो आप घर चला रहे हो। वैसे ही हिंदुस्तान का बजट है, करोड़ों लोग जीएसटी से देश को पैसा देते हैं। ये आपने जैकेट पहन रखा है, कितने का लिया आपने, जोर से बोलो, 2100 का। इसमें जीएसटी कितनी थी? 18% जीएसटी थी, आपको पता भी नहीं लगा, आपने जीएसटी दे दी 18%, है ना। अब आप एक बताओ, अगर ये जैकेट अदानी खरीदता तो वो कितनी जीएसटी देता? एक ही जीएसटी देता, जितनी आप दे रहे हो उतनी वो देगा। आपकी आमदनी कितनी है? 40,000 जो भी है, उसकी आमदनी कितनी है अरबों में, वो आप जितना टैक्स क्यों दे रहा है? ये अन्याय हुआ ना। कोई आदिवासी, गरीब आदिवासी शर्ट खरीद रहा है, वो 18% जीएसटी दे रहा है। उसी शर्ट को अदानी खरीद रहा है, वो भी 18% दे रहा है। तो जेब में से, आपके जेब में से जीएसटी का पैसा जा रहा है। वो जो है 90 लोग, वो निर्णय ले रहे हैं कि पैसा कहां खर्च होगा। अभी ठहर जाओ भैया, अभी मुझे बात खत्म करने दो, फिर जो बोलना है बोलना। तो ये 90 लोग निर्णय लेते हैं कि बजट का पैसा कहां जाएगा। यहां पे अस्पताल लगेगा तो ये 90 लोग निर्णय लेंगे कि भैया हिंदुस्तान के स्वास्थ्य के बजट में हमें इतना पैसा डालना है। अब मेरा आपसे सवाल है, आपने मुझे बताया ओबीसी 50%, दलित 15%, आदिवासी 8%, कितना हुआ? 73 हो गया, 73 हो गया। अब आप मुझे बताओ, आबादी पिछड़ों की 50%, वो 90 अफसर में से पिछड़े कितने? 3। 50% आबादी जो है, बजट का निर्णय कितना लेते हैं? अगर मान लो हिंदुस्तान की सरकार ने 100 रुपए खर्च किए तो ये जो 50% वर्ग के लोग हैं ये कितने रुपए का निर्णय लेते हैं? 5 रुपए का।
दलित कितने रुपए का निर्णय लेते हैं? एक रुपये का। और आदिवासी कितने रुपए का निर्णय लेते हैं? 10 पैसे का। तो 75% लोग 7-6% का निर्णय लेते हैं। तो यह पता लगाना है कि किसकी आबादी कितनी है। आपको कभी चोट लगी है? आपको चोट लगी कभी? किसी की टांग टूटी? यहां पे आपकी टूटी? टूटी है। तो आप अस्पताल गए, डॉक्टर ने आपको क्या बोला? बोला कि इसका इलाज कराना होगा। नहीं, पहले बोला भैया एक काम कर, इसका एक्सरे करा। तो उसने बोला इसका एक्सरे कराओ। आप गए, आप मशीन पे लेटे, आपने अपना पैर ऐसे रखा है, उसने आप पे वो लाइट लगाई और फिर उसने बटन दबाया, बाहर कमरे के गया, फिर उसने बटन दबाया और आपका एक्सरे आ गया। फिर डॉक्टर ने कहा हां भैया टांग टूटी आपकी। मतलब इलाज से पहले एक्सरे की जरूरत है, एक्सरे के बिना इलाज तो हो ही नहीं सकता। तो जाति जनगणना जो है देश का एक्सरे है। मैं चाहता हूं कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, हमें पता लग जाए किसकी कितनी आबादी है और कितना धन किसके हाथों में है। सीधी सी बात। अब जैसे ही मैंने यह बात बोली, नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान में सिर्फ 2 जात हैं। क्या बताओ भैया, हिंदुस्तान में सिर्फ 2 जात है क्या? तो जब मैंने जाति जनगणना की बात की, वो कहते हैं भैया सिर्फ 2 जात है। अच्छा अब सुनो, कौन सी जात? एक गरीब है और एक अमीर है। अब मेरा मोदी जी से सवाल, भैया अगर सिर्फ 2 जात हैं तो हर भाषण में आप अपने आप को ओबीसी क्यों कहते हो? ये तीसरा जात कहां से उठा ले आए आप? तो वो नहीं चाहते कि आदिवासियों को, दलितों को, पिछड़ों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को, माइनॉरिटीज को, अल्पसंख्यकों को उनका हक मिले, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो अरबपति हैं, जो उनके खास हैं, उनको पूरा का पूरा धन दिया जाए। और होगा क्या, आप में से कोई कहेगा हां ठीक है भैया तो दे दिया तो क्या हुआ? आप में से 2-3 लोग ये भी सोच सकते हैं कि ठीक है भैया धन दे दिया, अंबानी को दे दिया, अदानी को दे दिया तो क्या? मैं बताता हूं आपको, जितना धन उनको जाएगा उतना कम रोजगार पैदा होगा। तो ये जो सब यहां ये सब युवा खड़े हैं ना, आपको रोजगार नहीं मिलने वाला। वो चाइना का माल यहां भेजेंगे, चाइना से माल खरीदेंगे, यहां बेचेंगे। आप चाइना के माल के लिए पैसा दोगे, रोजगार कहां बनेगा? हिंदुस्तान में, चाइना में? चाइना में। आप अपने जूते के नीचे देख लो, शर्ट के पीछे देख लो, फोन के पीछे देख लो, मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, सब जगह। मगर अगर छोटे उद्योगों की मदद की गई, यहां स्मॉलर मीडियम उद्योगों की मदद की गई और मेड इन इंडिया सचमुच में किया जाए, तो फिर झारखंड में सब लोगों को रोजगार मिल सकता है। तो मैं चाहता हूं 2 चीजें, 2-3 चीजें। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आज से 7-8 साल बाद आप अपनी शर्ट के पीछे देखो, उसके पीछे लिखा हो मेड इन झारखंड। और फिर आप देखो कि आप पूछो भैया ये कहां बन रही है शर्ट, और यहां पे एक फैक्ट्री हो, यहां गांव में जो लोग हैं वो उस फैक्ट्री में काम करें, गांव से लोग उस फैक्ट्री को चलाएं, मैनेजमेंट में हो,
आप जानते हो आदिवासी, ये अदानी जी की कंपनी में पिछड़े लोग कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने जानते हो? एक नहीं है। आप उनकी मैनेजमेंट की लिस्ट निकालो, आपको उसमें एक ओबीसी नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा। जमीन आपकी जा रही है, जीएसटी आपका जा रहा है। अदानी जी को बैंक लोन मिलता है ना, कहां से मिलता है? सरकारी बैंक से मिलता है ना। सरकारी बैंक का पैसा कहां से आता है? अपने जेब में देखो, यहां से आ रहा है, टैक्स से आ रहा है। तो आप टैक्स दे रहे हो, आप पैसा दे रहे हो, आप अदानी जी को अपनी जमीन दे रहे हो, उनकी कंपनी में आपका एक आदमी नहीं, उनकी कंपनी में उनके मित्र हैं, उनके खास लोग हैं, और आप बेरोजगारी और भूख के रास्ते पे चलते जा रहे हो। इसलिए हमने न्याय यात्रा निकाली, इसलिए हमने भारत जोड़ो यात्रा में न्याय शब्द जोड़ दिया कि लोगों को पता होना चाहिए कि इस देश में किस प्रकार का अन्याय हो रहा है। सामाजिक अन्याय, आर्थिक अन्याय, महिलाओं के खिलाफ अन्याय, किसानों के खिलाफ अन्याय, श्रमिकों के खिलाफ अन्याय, पांच अन्याय हो रहे हैं। तो यह मैं आपसे कहना चाहता था, जैसे ही हमारी सरकार आएगी दिल्ली में, जाति जनगणना देश का एक्सरे हम करवा देंगे। तो मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, आपने यात्रा को सफल बनाया, आपने नफरत के बाजार में मोहब्बत की लाखों दुकानें खोल दी, और यही आपकी हिस्ट्री है, यही आपका इतिहास है। दिल से आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।